बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सीनरी है और बहुत बहुत फ्रेश लग रहा है यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा यहाँ का सीनरी है, बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा, मतलब आप ऐसे ही सुने हैं कि हाँ बहुत फेमस है ये झारखंड में डिमना लेक। तो बस मौजूद है जमशेदपुर में और यहाँ पे ये डिमना लेक है, यहाँ का काफ़ी फेमस प्लेस है, यहाँ पे विजिटर काफ़ी दूर दूर से आते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हमें मिले हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये कहाँ से आना हो। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है, मैं रांची से आई हूँ। अच्छा, रांची से। तो इस जगह के बारे में कैसे पता चला आपको? ऐसे ही सुने हैं कि हाँ बहुत फेमस है ये झारखंड में डिमना लेक। तो बस अभी छुट्टी हुए, बच्चों का एग्जाम खत्म हुआ तो लेके चली आई घूमने के लिए। अच्छा, और कुछ इस जगह के बारे में कुछ आपको पता है? नहीं, बस यही कि यहाँ बोटिंग वगैरह होता है, काफ़ी अच्छी रमणीक जगह है रांची में, काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर लेक है और झरना है वगैरह बस है। तो यहाँ पे क्या पहली बार आना हुआ या इससे पहले भी? नहीं, फर्स्ट आ रही हूँ मैं। अच्छा, तो कैसा लगा अभी तक जब अभी आप घूम रही हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग का क्या नाम है? मेरा नाम स्तुति अग्रवाल है। अच्छा, तो आप किनके साथ आई हुई है यहाँ पे घूमने के लिए? मैं अपनी मम्मी और मेरी ट्विन बहन और मेरी बड़ी दीदी। अच्छा, तो कैसा लगा स्तुति जी यहाँ पे आपको आके? बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा सीनरी है और बहुत बहुत फ्रेश लग रहा है यहाँ पर आकर। तो अभी क्या आप पढ़ाई करती हैं या फिर? हाँ, मैं क्लास 8 में हूँ। अच्छा, क्लास 8 स्टैंडर्ड में आप पढ़ती हैं। आप किस क्लास में हैं? मैं भी 8 में ही हूँ। अच्छा, तो मम्मी के साथ यहाँ घूमने आई हैं आप? हाँ। तो अब कैसा लगा यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा यहाँ का सीनरी है, बहुत अच्छा लगा देखकर। अच्छा, मतलब आप रांची से चल के इतनी दूर से आप लोग आई हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि आप लोग का लॉस हो गया यहाँ इतनी नहीं, दूर नहीं, रहने नहीं, से? नहीं नहीं, काफी अच्छा। जमशेदपुर तो भाई हम लोग का झारखंड का जान है, काफी अच्छा है। हाँ। सब कुछ यहाँ काफी हरियाली है, बहुत पेड़ पौधे हैं, बहुत है यहाँ पर। तो जैसे कि 1907 में जमशेदपुर बसा और यहाँ पे टाटा स्टील की स्थापना हुई, उसके बाद 1940 में यहाँ पे डैम का निर्माण शुरू हुआ। कार्य शुरू होने के बाद 1944 में 1944 में ये बनकर तैयार हो गया। तब से आज तक लोग यहाँ पे विजिट और घूमने पिकनिक स्पॉट के रूप में ये जगह माना जाता है, लोग घूमने आते हैं। ज़रा पीछे दिखाना, ये पूरा पानी का स्टोरेज है और आगे साइड से ये बरसात में से खोले जाते हैं और कंपनी की जैसे जैसे इस्तेमालें होती हैं उस हिसाब से इसको यूज़ किया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ, मैं मोहम्मद अहमद, इंडियन न्यूज़ 20 के साथ।